भागलपुर जिले के मारवाड़ी महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य अखिलेश श्रीवास्तव व कई विषयों के शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के बारे में अपना अपना वक्तव्य रखा। इस अवसर पर महाविद्यालय की कई छात्राएं भी शामिल थी। वहीं कई शिक्षिकाओं ने अपने महिला सुरक्षा व बाल विवाह सहित महिला संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन हम लोगों के लिए प्रतिदिन महिला दिवस है, तो भी इस दिन को इसलिए हम लोग याद करते हैं ताकि हम अपने बच्चों से, छात्र छात्राओं से भी हम उसका व्यू ले सकें, उनके मन में क्या है। ज़्यादातर जितनी भी प्रताड़ना है या जो तरह की दिक्कतें आती हैं बालिकाओं के बीच बहुत हैं, उन लोगों से हमने इसलिए जानना चाहा। सबने अपना अपना विचार भी व्यक्त किया, यही हम लोग का मकसद था कि आज हम लोग सब मिल करके, हमारे यहाँ कई महिला टीचर हैं, हम लोग सब मिल करके एक गोष्ठी का आयोजन किए। और उसमें हमने सोचा कि अगर हम पुरुष को शामिल नहीं करते हैं तो आखिर हमारी जो परेशानी है, हमारी जो दिक्कतें हैं, वो किनके समक्ष हैं, किनके साथ हैं, उनके साथ हैं। एक समाज में पुरुष और महिला दोनों बराबर का हकदार हैं, एक दूसरे से हम लोग परस्पर संबंधित हैं। कभी वो ऊपर की ओर उठते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन हम जब तक नहीं दोनों साथ मिलकर ये गाड़ी चलेगी, पहिए दोनों की है, तभी गाड़ी सुचारू रूप से चल पाता, चाहे वो परिवार का गाड़ी हो, चाहे वह समाज का गाड़ी हो। इसीलिए इस संगोष्ठी में हमने सबों को इनवाइट किया, हमारे पुरुष शिक्षक भी हैं, ये सारे लोग हैं जो नए भी आए हैं, सबों का व्यू जानने का। तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसके बारे में, महिला के सुरक्षा के बारे में बताइए, महिला से सशक्तिकरण के बारे में बताएं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आप महिला के बारे में बताएं। देखिए, महिला की जहाँ तक सुरक्षा की बात है, महिलाओं खास करके कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं जो कि गार्जियन लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं, ये भी एक उनकी सुरक्षा के ही दृष्टि से देखा जाता है। दूसरी बात, सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, आज हमारे महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ है। आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति बिहार भागलपुर से अनितेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट।